अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम आए हुए हैं खेतों में। प्लीज लेकिन खेतों में नहीं आए, हम असल में आए हैं ट्यूबवेल के अंदर। और शाजिल भाई को देखो जरा। तो भाई शाजिल भाई क्या कर रहे हो? अच्छा आपको मजे की बात बताऊं, ये ट्यूबवेल जो है ना, इस ट्यूबवेल को बंद किया हुआ है शाजिल भाई की बम बम ने। अभी उठेंगे सारा खाली हो जाएगा। अभी देखना। आपको शाजिल भाई से मिलकर कैसी फीलिंग आई है? आई हैव नो वर्ड्स। इमोशनल डैमेज लोगे हो? है मजे आ रहे? मैंने नहीं आना, मैं गिल्ला हो जाऊंगा। ये देखें, ये ट्यूबवेल है और इसकी मैं गहराई दिखाता हूँ। मुझे वैसे भी हाइटोफोबिया, तो मैं पास नहीं हूँ, कैमरे को आई कर दूंगा। और ये देखें कितना गहरा है यार ये कितना गहरा होगा सनी भाई? 120 फीट। तो वाह यार कितना बड़ा है। और ये देखो, ये पंप लगा हुआ है इसका, और इधर से ही पानी सारा सक आउट करके ये इधर फेंक रहा है। देख रहे हो ये सुराख खुला हुआ है और शाजिल ने अपनी बम बम से रोका हुआ था। देखो अब पूरा का पूरा ये ट्यूबवेल रोक के बैठा हुआ है, खेतों का पानी इसने रोका हुआ है। खेते प्यासी मार रही है इसकी वजह से। वो देखो गाइज सारा का सारा ओवरफ्लो हो रहा है, सारा पानी नीचे। तो गाइज अभी मैं और सनी भाई जा रहे हैं वो कबूतर देखने। स्पेसिफिक किस्म के कबूतर हैं और पता नहीं क्या इनको कहते हैं क्या नहीं कहते। शाजिल भाई अभी आते हैं, वो आपको बताएंगे। वो भी नहाइयां नहीं कर रहे। शाजिल आ जाए यार। गाइस हम आ गए और ये देखो कितनी बड़ी इन्होंने एक पेटी सी बनाई हुई है, बॉक्स है जिसके अंदर सारे के सारे इन्होंने कबूतर रखे हुए हैं। और ये यार पता नहीं कौन से हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कोई खास ही किस्म के हैं। और ये देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा एक बॉक्स तैयार किया हुआ है जिसके अंदर कबूतरों को ये खेतों में छोड़ देते हैं, इन खेतों के अंदर, और ये फिरते रहते हैं। ये कौन से कबूतर हैं? ये खोखे के हैं। ये मतलब ये है कि ये अगर यहाँ पे उड़ रहे हैं ना, हाँ, इनका ये खोखा लेके जाके आप अपनी छत पे भी रख लो ना, हाँ, तो ये वहाँ पे आके उतरेंगे। जिधर मर्जी इनका ये पिंजरा होगा और जिस मालिक या भाई की है ना, भाई की आवाज पे हिले होंगे और खोखे पे। यार ये आवाज के ऊपर हिले होते हैं, तो ये मतलब आप जहाँ भी खड़े होगे आप आवाज दोगे आपके पीछे आ जाएंगे, मतलब ये आपकी फुल पहचान करते हैं। 7-8 साल हो गए आप? 8 साल हो गए, मैं उड़ा रहा हूँ। ठीक हो गया। और ये इनमें सबसे बूढ़े वाला कबूतर कौन सा होगा आपका? हाँ सबसे बूढ़ा बूढ़ा कबूतर कोई भी नहीं है? ये वाला गाइस सबसे बूढ़ा कबूतर कितने साल का होगा आपका? 4 साल। 4 साल का। तो कितनी एक उम्र होती है इनकी भाई? इन उम्र कम से कम मूसा भाई ये जो है ये 20-25 साल तक रह लेते हैं। 20-25 साल कबूतर जल्दी मार, लेकिन 20-25 साल जिंदा रहते हैं। हमारे पास एक कबूतर है, उसको 12 साल तो हमारे पास हो गए। ओ खैर यार, ये यूं नहीं होता मूसा भाई, एक खोखा उधर पड़ा होगा, हाँ, एक खोखा इधर पड़ा होगा, ये उठाएंगे दोनों, या तो ये तोड़ उनके खोखे तक जाएंगे, हाँ, या उनके तोड़ इधर तक आएंगे, या सेंटर में लगेंगे, इनके इधर आ जाते हैं, एक दो उनकी तरफ चले जाते हैं, ऐसे मिक्स हो गए ये यूं आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे जो कबूतर होते हैं वो तो थोड़ी बुलंदी पे उड़ते हैं ना, हाँ, ये जो है ना ये बिल्कुल इस खेत के इसके साथ ये यहाँ पे लग के जाते हैं, जमीन के साथ रगड़ खाते हुए सारे। अच्छा ऊपर नहीं जाते, आसमान में नहीं जाते? ऊपर नहीं जाते, ये तल के अंदर उड़ते हैं। सही। आपने आम तोड़ लिए? क्या कर सकते हैं, कुछ खाना भी है। तो ये तो कच्चे, आपका गला खराब हो जाएगा यार। नहीं है भाई, पके हैं। ये पके हुए हैं? ओह यार लेट मी सी, ये वो वाकई यार नरम है यार काफी। गाइस आपको मैंने बताना था, मुल्तान का जो आम है ना वो पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छी क्वालिटी का। सनी भाई आप कौन से मुल्क में गए थे और वहाँ पे कितने का आम मिल रहा था पाकिस्तानी? एक मैंगो का 1000 रुपया? उफ़ल्ला मलेशिया के अंदर, अल्लाह हू अकबर। ये भी लेट है? काला लेट नाम है इसका नाम। अच्छा इसका नाम है काला लेट, क्या लेट के ही काला हो जाता है? No, because it's, summer is getting off, you know? Okay, okay. So he's coming at the last period. Okay, okay. तो ये बिल्कुल एंड पे आ रहा है इसका, इसको काला लेट कहते हैं। सीजन के एंड में आ रहा है, लेट आ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं काला लेट। नाइस। गाइस मैं आपको एक यूनिक चीज दिखाता हूँ, ये ऊपर से आपको ग्रीन लग रहा है बट इनसाइड इट्स ऑल येलो, यू सी। क्या बात है यार, मुझे लगा अंदर से भी वाइट कलर का कच्चा कच्चा सा होगा। इट्स
यार कितनी यूनिक चीज है यार, इसको कहते हैं काला लेट है ये, और बेशक लेट है लेकिन पका हुआ है यार अंदर से फुल। And it's sweet as well. ये देखो मीठा भी होगा, you can try it. Yes, मैं इसको ट्राई करता हूँ। और देखो कितना जूसी है यार, you see it dripping. यार बहुत मीठा है, अल्लाह इट्स वेरी स्वीट यार, अमेजिंग। हाँ भाई आम मैं कह रहा हूं, मैं मीठा है शाजल, मीठा बाहर से हरा है और अंदर से देखो कितना फुल पका हुआ है, काला लेट। ये लेट गया था। ओ भाई क्या कर रहे हो, लकी कसम इतना मीठा आम है, केड़े बूटे तो लाए ने ये, इसी तरफ से उतरा है वो, अभी पेटी उठा के आ नहीं रहे थे। अच्छा 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 अच्छा, काला चौंसा के तरफ खड़ा, ठीक है ठीक है ठीक है, काला चौंसा इसको कहते हैं, काला सिर्फ काला कहते हैं, ब्लैक चौंसा। अजल बस छोड़ दे अब, घर चले, आम मैंने डाल दिए शॉपर में, आम मैंने शॉपर में डाल दिए, अब चलते हैं यार। बा खुदा इस तरह के सीन ना आपको सिर्फ देहात में मिलेंगे। गाइस ये देखें, ये कितना प्यारा सीन है, यहाँ पे खेत, ये रोड, यहाँ पे दरख्त और साइड पे नहर। इनको ठंडा कर लेते हैं और जब ये ठंडे होंगे ना फिर खाएंगे। खुल 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 जाओ भाई, ठंडे हो जाओ। एंड गाइस वी आर फाइनली ऑन द रूफ, और सबसे पहले दर्शन करा देता हूँ आप सबकी फेवरेट, मेरी फेवरेट, शाजल की फेवरेट, जेवी भाई की फेवरेट, क्वैकी से। हेलो क्वैको, कैसी हो, ठीक हो? ठीक हो बिल्कुल। खाना मिल रहा आपको टाइम पे? ओह यस, मिल रहा है मिल रहा है मिल रहा है। शाजल ये क्या हुआ यार, क्या ये चीज़ है? अबे यार अंडा गलत जगह दे दिया होगा, इधर दे दिया होगा, शायद टूट गया हो। दूसरा निकाल लो, दूसरा निकाल लो, वो भी ना कि टूट के नीचे गिर जाए यार। इनकी जगह सेट करनी पड़ेगी हमें थोड़ी सी, नहीं एक दफा इसको ना बुरादा सारा करना पड़ेगा, है ना, इधर इधर सारी ईंटें लगानी पड़ेंगी। हाँ इसकी इसका बंद बन जाए ना फिर ये अंडे जाया नहीं होंगे। ओए कबीर सिंह कैसा है तू, क्या कर लै क्या कर लै क्या कर लै, ये देखा वो लुगाई इसकी पीछे उड़ती है और ये सामने आके मेरे साथ पंगे ले रहा होता है जैसे मैं इसके हाथ लगा। देख बहुत गंदा है यार तू। और बच्चो स्कूल में मजा आ रहा है, बड़े बड़े हो रहे हो तुम सारे के सारे। गाइज ये देखें सिल्वर ब्लू पॉलिश, सॉरी यार मैं हमेशा सिल्वर पॉलिश कहता हूँ, मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है क्योंकि ना ये सिल्वर रंग का है, मैं इसको सिल्वर कहता हूँ, है ये ब्लू पॉलिश। देखो कितना प्यारा प्यारी बन रही है ये मुर्गी है। अजिल इनको खोल दूं? क्या चीज़? इनको रहने दो, तंग करेंगे फिर। मैं कहता हूँ खोल देते हैं थोड़ी देर, चलो खोल दो फिर। हैं थोड़ी देर खोल देते हैं, खोल देता हूं। इनको खोल दो यार, आजो 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 बाहर आजो बाहर आजो, हमारे पॉलिश पॉलिश प्यारे प्यारे पॉलिश। अच्छा सारों की जो टोपी है ना वो आ रही है लेकिन हमारे मुर्गे की नहीं आ रही बिल्कुल भी शादल, पूरा टैंक लगता है मुझे। खोलने के बाद ना सबसे पहले ये क्या करते हैं, धूप में जाते हैं, धूप में जाके जरा धूप सेकते हैं, उसके बाद फिर ये आवारागर्दियां शुरू कर देते हैं। अब ये धूप में बैठे रहेंगे थोड़ी देर के लिए। चलिए इतनी सारी बांगे देते तो सोता कैसे है भाई? नहीं मैं ऊपर सोता नहीं हूं। हां ये देखो एक बंद होगा दूसरा शुरू हो जाएगा। ये तो बेचने वाला नहीं है, ये बेचने वाला कोई भी नहीं है इनमें। सनी भाई आपने ये सारे मुर्गों की आवाजें सुनी है, आपको मैं एक मुर्गे की आवाज सुनाता हूँ, देखना आपका दिल ना खुश हो जाए। ओए होए यार ये क्या चीज़ है, ये माइकल जैक्सन पार्ट टू है। वो जो आपने YouTube की थी जिसको निलाया था, वो जो छोटा चूजा था, हाँ, वो सनी भाई इसका था, ये उसके वालिद साहब है, चूजली है उसका नाम। अच्छा चूजली सही, बड़ा प्यारा है ये, लेकिन हमारी जो क्वैक क्वैक है ना वो इसको बहुत मारती है। ले जी गाइस घर आ गए। अच्छा जब भी मैं घर आता हूँ सबसे पहले मुझे ये वेलकम करती है। चूजली कैसी हो, डिजू मिशमी, डिजू मिशमी, लिटल बोनी, डिजू मिशमी, हे ट्विंकी आप ही देख रहे हो, डिजू मिशमी 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 यस मिशमी, और हेलो शिल्विश कैसी हो आप, क्या कर लो? ये पिंजरा कल का इधर ही पड़ा हुआ है, इसमें हमारा रैबी था और उसका आखिरी खाना भी इधर ही पड़ा हुआ है, खुद खाता हूँ। ये देखें दिया था उसको कल लेकिन उसने खाया नहीं था, और मेरा ना बिल्कुल भी दिल नहीं किया कि मैं इस पिंजरे को हाथ लगाऊं दोबारा, जिस कंडीशन में रैबी ने छोड़ा था ना मैंने उसी कंडीशन में इसको रखा हुआ है, और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि किसी भी चीज़ को इधर से उधर करूं, ये उधर के उधर ही पड़ा हुआ है। अच्छा शाजिल भी ना चीज़ें उठाता है फिर रखता नहीं है नीचे, फिर ना मुझे गुस्सा आता है कि यार ये
लापरवाहियाँ जो है ना इसकी, मुझे बड़ी चढ़ चढ़ती है इससे। खैर इन नंडों को इधर रखते हैं। चूचास हाउ आर यू डूइंग, कैसे हो आप सब, ठीक हो? अमन था, सुकून था, लड़ाई तो नहीं की आप लोगों ने? और तुम सुनाओ भाई, क्या हालात चल रहे हैं तुम्हारे, सब ठीक हो? हेलो हेलो हेलो, हाँ गुड 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 गुड। ये यार चेक करना हो ना आपके चूजे एक्टिव हैं तो यार हल्का सा उनको हिला के देखो, अगर तो मूवमेंट देते हैं तो देर ऑल गुड। हेलो टोटू, आई नो यू मिस मी। साशा क्या कर रही हो, साइड पे हो जाओ थोड़ी देर, उसको उसको आने दो, उसके बाद आ जाना ठीक है, बाय। चलो साइड पे हो जाओ, नीचे चल जाओ, नीचे चल जाओ, आओ खिलौना ले आई अपना गंदी बच्ची। आ जाओ जी, आ जाओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, पापा पा छाओ, पापा पा छाओ, आ जाओ। अच्छा अच्छा, ओह बस 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 बस, बैठो इधर, चल घुसे घुसे बाहर, इधर आते रहो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, ये देखो ये देखो ये देखो, मैंने जैसे कहा घुसे बाहर आ, फटाफट बाहर आ गई, वरना आमतौर पे क्या करती है वो देखो, उधर बैठ जाती है, और कल से ये ऐसे ही कर रही है, नीचे जाके बैठी हुई है, अलहदा अलहदा खिलौना रखा हुआ अपने पास, उसी के साथ खेलती जा रही है। खाने में वैसे तो नखरे करती है, गोशे के जाने के बाद कुछ ज्यादा ही नखरे कर रही। मामा कहती सो मैंने इसको लस्सी डाली, इसने मुंह ही नहीं लगाया उसको, बस इस जगह पे आके बैठी हुई है और इधर वह गोशे को देखी जा रही है। और तोतो भी मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा सैड हो गया। ओए तोतो कहाँ जा रहा है तू, है तुझे भी गोशू याद आ रहा है, है तोतो गोशू याद आ रहा है आपको? ओ तो ना, हमारे तोतो ने बड़ा तंग किया इसके, देखो काम देखो, इधर 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 ऊपर से नीचे आ जाता है, फिर इसको समझ नहीं आती मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ करना क्या। अब मैंने आपको बताया था शुरू में कि ये पूरी ज़िंदगी के लिए उड़ नहीं सकता, क्योंकि इसका ये शोल्डर है ना, देख रहे हो आप, उस पर थोड़े से अजीबो गरीब रफल्ड किस्म के हैं, इसका शोल्डर डैमेज। और जेबी भाई इसका क्या, इसको क्या कहते हैं इस बीमारी को? यार ये शायद इसे कोई चोट वगैरह लगी होगी जिसकी वजह से, ये कोई बीमारी की वजह से नहीं है। नहीं आपने मुझे उस दिन एक डिजीज, एक वेल कंडीशन का नाम है वो पंजाबी में, इसको कहते हैं परिंदा हब्बा। हब्बा यस, कि वो उसका एक पर शल हो गया, वो काम नहीं कर रहा। अच्छा 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 अच्छा, बीमारी नहीं है, जस्ट एक कंडीशन, एक जैसे जैसे वो हमारे चूजली को वो उसकी टांगे एकदम खुल गई थी। यस, तो ये इसकी अगर बचपन में अगर इसके जो वो केयर टेकर से अगर इसके पर के साथ थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करते तो ये उड़ सकता था। पॉसिबिलिटी जाहिर है बचपन में होती है, हड्डियों के एडजस्टमेंट आप उस वक्त कर सकते हो, अब ये काफी बड़ा, अब तो बहुत बड़ा हो गया ना, अब तो बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो यार लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करिएगा, अगर ज्यादा पसंद आ जाए तो जनाब सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।